एक ऐसी रेमेडी जो रातों रात आपके रंग को दूध जैसा गोरा कर देगी। फिर इससे फर्क नहीं पड़ता चाहे आपका रंग कितना भी डार्क हो, कितना भी सांवला हो, बस मेरी बताई गई ये वाली रेमेडी अगर आप एक बार लगा लेते हो तो आपके रंग को बिल्कुल दूध जैसा गोरा कर देगी। ए झूठी, झूठ बोल रही है ना? जी नहीं, मैं ऐसी कोई रेमेडी नहीं बनाने वाली हूँ। अगर ये सोच के आप इस वीडियो पे आए हो तो मैं आपको बता दूं कि मैं क्या कोई भी आपके स्किन टोन को रातों रात चेंज नहीं कर सकता है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज चांदनी फॉरएवर स्किन केयर। सो फ्रेंड्स, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं कोई ऐसी रेमेडी नहीं शेयर करने वाली हूँ जो आपके स्किन टोन को पूरी तरह से चेंज कर दे। लेकिन हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आपके स्किन टोन को एक से दो टोन तक लाइट किया जाए। मेरी खुद की स्किन टोन एक से दो टोन तक लाइट हुई है। बिल्कुल भी बड़ा चढ़ा के नहीं बता रही हूँ मैं फ्रेंड्स, मैं आपके साथ जो भी बात करती हूँ वो बिल्कुल ऑनेस्टली करती हूँ, क्योंकि आपका ट्रस्ट और भरोसा मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ जो रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, ये रेमेडी आपके स्किन टोन को एक से दो टोन तक निखार देगी, आपकी स्किन को सॉफ्टन बनाएगी, स्किन को हाइड्रेट करेगी, आपकी स्किन पे एक अच्छी वाली शाइनिंग भी लेकर आएगी। अगर आपकी स्किन ढीली हो गई है, आपको लाफिंग लाइंस आ गए हैं या फिर आंखों के नीचे रिंकल्स आ गए हैं, तो उसको भी ये ठीक करेगी, आपकी स्किन को टाइट बनाएगी। अगर आपको डार्क स्पॉट्स हो गए हैं, पिंपल के निशान है, तो उसको रिमूव करने में भी ये वाली रेमेडी आपकी बहुत ही ज्यादा मदद करने वाली है। कैसे करेगी तो चलिए वह देख लेते हैं। तो ये वाली रेमेडी प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो आपको चाहिए वो है ये कच्चा दूध, यानी कि रॉ मिल्क। क्या आप उबला हुआ बॉयल्ड दूध ले सकते हो? तो कभी कभी उबला हुआ बॉयल्ड दूध आप ले सकते हो, लेकिन आप अगर कच्चा दूध इस्तेमाल करते हो तो वो ही सबसे बेस्ट है, क्योंकि कच्चा दूध जो होता है वो लैक्टिक एसिड से रिच होता है। कच्चा दूध आपकी स्किन पे किसी ब्लीच की तरह काम करता है। तो आपको भी फ्रेंड्स कच्चे दूध का ही इस्तेमाल करना है, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप, मैं आज जो आपको रेमेडी बताने वाली हूँ वो रेगुलरली इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हो तो आपकी स्किन टोन को फेयर तो बनाएगा ही, स्किन व्हाइटनिंग का काम तो करेगी ही, साथ ही साथ आपकी स्किन को बेबी सॉफ्ट, एकदम मुलायम सी बना देगी, आपके चेहरे के डार्क स्पॉट्स को भी रिमूव करेगी और आपकी जितनी भी रिंकल्स, फाइन लाइंस आ गई हो उसको भी हटाएगी। साथ ही साथ आपके चेहरे पे एजिंग साइंस आने लगी है तो उसको भी हटाने में आपकी मदद करेगी। तो मैंने इधर लगभग 2 टेबलस्पून जितना कच्चा दूध ले लिया है। इसके अंदर नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट मैं मिलाने वाली हूँ फ्रेंड्स वो है कोकोनट ऑयल। मैं इधर कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास कोकोनट ऑयल होता ही है, इसीलिए मैं कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप कोकोनट ऑयल के साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो आप बादाम का तेल यूज कर सकते हो, या फिर जैतून का तेल यानी कि ऑलिव ऑयल का यूज कर सकते हो, या फिर कोई भी विटामिन ई रिच वाला जो ऑयल होता है वो आप यूज कर सकते हो। मैंने लगभग इसके अंदर 1 टेबलस्पून जितना कोकोनट ऑयल मिला लिया है। कोकोनट ऑयल जो होता है वो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज से भरा हुआ होता है, आपके स्किन को टाइट भी बनाता है। कोकोनट ऑयल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज से भरा हुआ होता है, इसीलिए अगर आपके फेस पे पिंपल्स, एक्नी बने रहते हैं तो आपको कोकोनट ऑयल का यूज जरूर से करना चाहिए। कोकोनट ऑयल आपके स्किन टोन को वाइटन और ब्राइटन तो करता ही है, साथ ही अगर आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा डल सी रहती है, बहुत ही ज्यादा ड्राई सी रहती है, तो कोकोनट ऑयल आपके स्किन को बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट करता है, बहुत ही अच्छे से नरिश करता है, जिसकी वजह से आपके स्किन पे आता है ग्लो और आपकी स्किन बन जाती है बिल्कुल मुलायम सी। साथ ही साथ एक जो बहुत बड़ी स्किन प्रॉब्लम है और बहुत ही कॉमन है, बहुत सारे लोगों को होती है, वो है पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम। तो कोकोनट ऑयल पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैपेसिटी भी रखता है। अब इसके अंदर थर्ड इंग्रेडिएंट जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं फ्रेंड्स वो है नींबू का रस, यानी के लेमन जूस। आप कहोगे कि आपको नींबू का रस सूट नहीं करता है, तो आप नींबू के रस की जगह पे संतरे का रस यानी कि ऑरेंज जूस का इस्तेमाल कर सकते हो। नींबू का रस सूट नहीं करता है तो आप बस इसके 3 से 4 ड्रॉप्स डाल सकते हो, तो भी बहुत कम क्वांटिटी में लोगे तो भी आपको सूट कर जाएगा। अगर फिर भी सूट नहीं करता है तो आपको ऑरेंज जूस की 2 टेबलस्पून इसके अंदर डालनी है। मुझे सूट करता है इसीलिए मैंने
लगभग हाफ टेबल स्पून जितना नींबू का रस इसके अंदर मिला लिया है। अब इन तीनों चीजों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए इस तरह से व्हाइट कलर के क्रीमी से टेक्सचर में ये आ जाएगा। अब इसको इस्तेमाल करने से पहले आपको अपना एक फोटो ले लेना है। 2 वीक तक इसको लगातार इस्तेमाल कीजिए, 2 वीक बाद आप अपना वापस से फोटो लीजिए। सेम लाइटिंग में आप देखोगे आपके स्किन कॉम्प्लेक्शन में 100% आपको फर्क और चेंज नजर आएगा, इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ। तो अब इस रेमेडी को आपको अपने पूरे चेहरे पे और नेक पे लगा लेना है। अच्छे से सर्कुलर मोशन में इसकी 5 मिनट तक मसाज करनी है। 5 मिनट के बाद एक गीला टॉवल लेके अपना चेहरा आपको अच्छे से स्वाइप करके पोंछ लेना है। ये वाली रेमेडी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, तो जरूर से ट्राई करके देखना। सो आई होप फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी ही नेचुरल स्किन केयर और हेयर केयर रेमेडीज आप आगे भी देख पाओ। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, सी यू सून।